इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। बालासोर रेल हादसे पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महानगा के स्टेशन मास्टर मोहंती को सीबीआई अपने साथ ले गई है। बता दें ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और उसके बाद ये सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जहां पर महानगा के स्टेशन मास्टर मोहंती को सीबीआई अपने साथ ले गई है। अज्ञात जगह पर पूछताछ कर रही है सीबीआई। मोहंती के कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता था स्टेशन, ऐसे में इसे बेहद अहम एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। मेन लाइन से लूप लाइन सेक्शन में एंट्री के लिए अलग से लाइनमैन नहीं था, ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता था। सिग्नल इंटरलॉकिंग सिस्टम कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट होता है। ऐसे में मोहंती को अपने साथ पूछताछ के लिए सीबीआई अज्ञात जगह पर ले गई है। बेहद अहम इस एक्शन को माना जा रहा है। तो बालासोर रेल हादसे पर सीबीआई की इसे बड़ी कार्रवाई, जिसका अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। स्टेशन मास्टर मोहंती को अपने साथ ले गई है सीबीआई की टीम और पूछताछ करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ये सामने आ रहा है कि मेन लाइन से लूप लाइन सेक्शन में एंट्री के लिए अलग से यहां लाइनमैन नहीं था। राजीव सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, और क्या कुछ अपडेट उस पूरे मामले पर आपको मिल पाया है? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही इसमें निकल कर आ रही है कि इस महानगर रेलवे स्टेशन पर अलग से कोई लाइनमैन नहीं था। पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो स्टेशन मास्टर के केबिन से ही ऑपरेट होता था। स्टेशन मास्टर मोहंती की देखरेख में सारा सिस्टम ऑपरेट होता था और स्टेशन मास्टर के केबिन से ही वहीं से सिग्नलिंग सिस्टम भी ऑपरेट होता था, वहीं से इंटरलॉकिंग सिस्टम भी ऑपरेट होता था। वहीं से जब एक्सेस मिला उसके बाद में कोरोमंडल ट्रेन आगे बढ़ी थी और स्टेशन से लगभग 300-400 मीटर आगे जाने के बाद में वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर केबिन में बैठे अधिकारी को इस बात की भनक क्यों नहीं थी कि क्या वहां पर किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। दूसरी चीज ये भी बात सामने आ रही है, टीवी 9 भारतवर्ष के सूत्रों के जरिए बात सामने आई है कि दरअसल एक वहां पर सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ खराबी थी। एक टेक्नीशियन बुलाया गया था, इलेक्ट्रिशियन बुलाया गया था उसे सुबह 10 बजे, लेकिन वो 11 बजे पहुंचा और उसके बाद में कुछ हद तक काम किया गया। उसके बाद उसे स्टेशन मास्टर की तरफ से ये कहा गया कि इसे जल्द से जल्द टेम्पररी तरीके से चालू किया जाए, चूंकि ट्रेन गुजरने वाली है, यानी कि उसे ऑपरेशनल किया गया। सारी बातों का खुलासा सीबीआई से जो पूछताछ सीबीआई इस पूरे मामले में मोहंती से करने वाली है उसमें भी निकल कर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया राजीव सिंह, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार नजर बनाए रखें।